So, how are you liking, Ajay? This place, awesome. How's the view? Awesome. In this episode of Camping Travel India, मैं आपको लेके चलूँगा Pattaya View Point, जिसे प्रपात माउंटेन के नाम से जाना जाता है. कुछ नई डिशेस ट्राई करें, जैसे कि ये. इसी एपिसोड में हम आपको शेयर कराएंगे रिपीज बिलीव इट और नॉट, क्या है, किस तरह का है, टिकट कितने का है, ये जानकारी आपको दूंगा. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको लेकर चलूंगा मैं कंफ्यूशियस टेंपल या काउ टेंपल, जो कि टेंपल के एकदम सामने. चलिए शुरू करते हैं कैंपिंग ट्रेवलर इंडिया थाईलैंड सीरीज एपिसोड 14. ये एकदम बिग बुद्धा स्टैचू एकदम साथ में है. देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया. ड्रैगन चाइनीज रिलीजन में या बुद्धिज्म में ड्रैगन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है. ये जो स्टैचू आप सामने देख रहे हैं, जो हाथ में लकड़ी लेकर खड़े हैं, ये हैं कन्फ्यूशियस. चमकती हुई लाइटें नज़र आ रही हैं, ये शिप हैं या फेरी कहिए, फेरी हैं, पानी के अंदर है. आप यहाँ जाइए, बोट पार्टी करिए, पूरी रात ये आपको समुंदर में घुमाती रहेंगी और इस तरह से लाइटें एलईडी कलर की लाइट्स में जगमगाती रहेंगी. सो हाउ आर यू लाइकिंग अजय दिस प्लेस, हाउ इज द व्यू? देखिए अंधेरा हो चुका है, राइट में ये बोट या शिप का जो कलर है कुछ इस तरह से दिख रहे हैं. शहर का व्यू इस तरह का है. देखिए सबसे ऊंचे बिल्डिंग जो मेरे सामने है वो ये है. लोग हैं यहाँ अभी भी फोटो क्लिक करते हुए. ये व्यू पॉइंट है जहाँ मैं इस वक्त हूँ. टाइम हुआ है करीब करीब 7:30 या 8 बजे का और लोग फोटोग्राफी में बिजी है इस वक्त. व्यू पॉइंट खोल के टाइम बिताने के बाद टाइम हो चला है इस शहर जाने का. यहाँ से वॉक करके मैं पहुँचा वापस सिटी कुछ खाने और पीने की तलाश में. तो देखिए क्या मिला मुझे. बियर पीने के शौकीन है ना, तो 108 रुपए में 620 ml की दो बॉटल चैंग ब्रांड, अगर लियो की आप लेंगे ना, लियो 112 का है, चार बाट का फर्क है यानी 8 रुपये. ये मैंने बहुत बार वो रेडी पे लगा हुआ देखा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, कभी खाया नहीं. एक्चुअली में तो पता भी नहीं कि ये है क्या, बट मुझे लग रहा है कि पोर्क मीट से कुछ बनाया गया है. तो आज पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ. खाने में तो स्वाद है, थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म होता तो और अच्छा लगता. ये है प्लीज बिलीव इट और नॉट, ये जो जहाज अंदर घुसा हुआ है यहाँ पर है. 400 बाट की टिकट और जाओ और देख करके आओ. यहीं पे रैक्स म्यूजियम है और प्लीज के ढेर सारे दूसरे ऑप्शंस भी यहीं पर मिलेंगे दोस्तों.
ये है एंट्री गेट रिप्लीज बिलीव इट और नॉट का। गेट से एंटर करके आप पहुंचते हैं तो ये मोहतरमा है जो आपका स्वागत करती है। खौफनाक ये है हॉन्टेड एडवेंचर। यहाँ पर आप जो टिकट लेंगे उसी के हिसाब से एंट्री होगी। सभी शॉपिंग मॉल में आजकल ये कल्चर है इस तरह के स्ट्रक्चर लगाने का जो ट्रांसफॉर्मर, आयरन मैन और रोबोट्स से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर आप आइए, टिकट लीजिए और एंटर कर सकते हैं म्यूजियम में। ये स्काई राइडर है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बारी बारी से इन सब जगह पर लेकर चलूँगा। है मूविंग थिएटर, यहाँ 4D में डिफरेंट मूवीज आपको दिखाई जाती हैं, जैसे कि हमारे शहर में भी आपने मॉल्स में ही देखा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इनफाइनाइट मेज में और ये है वैक्स म्यूजियम। इस म्यूजियम की अपनी ही एक अलग महिमा है जिसमें आपको वर्ल्ड पर्सनालिटीज के वैक्स के बने हुए स्टैचूज देखने को मिलेंगे। लीजिए ये तो टिकट लेकर चल पड़े अंदर और ये है काउंटर जहां से आप टिकट ले सकते हैं वैक्स म्यूजियम जाने के लिए। माइकल जैक्सन हम सबके फेवरेट हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो उनका ये स्टैचू बाहर ही लगाया गया है, इसे देखने के लिए आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये बाहर डिस्प्ले में लगा है। ये जगह भी आपको पसंद आ सकती है। ये हमारे यहाँ इंडिया में जो फेयर लगते हैं जैसे हॉन्टेड हाउस है, ये उसके जैसा है। यहाँ स्क्रीम नाव के नाम से है क्योंकि इतना डराएंगे आपको कि आपकी चीख निकल जाएगी, ऐसा इनका कहना है। जाएंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो ये जोकर डरावने से ज़्यादा फनी लग रहे हैं। ये एक खूबसूरत सी चीज़ लगी मुझे, जैसे कोई मुंह में पानी भर के पिचकारी मारता है और सीधा निशाने पे लगता है, ये वैसा है। और ऐसे जब आप धार मारते हैं तो वो भी अगर सीधी निशाने पे लगे तो आप जीत जाएंगे, ये कुछ वैसी फील इनको देख करके यहाँ आती है। ये फाउंटेन है जो ये दोनों ही ट्रिक करते हैं, पिचकारी मारने वाली और धार मारने वाली। चलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर। टिकट हमने ले लिया है, 400 बाट की टिकट है। आप यहाँ म्यूजियम में एंटर कर रहे हैं सबसे पहले। घूप अंधेरा, कुछ ही एक्टिविटीज़ है जो देखने को मिलेंगी। ये यहाँ का एक मैप बनाया है और अलग अलग तरह की पेंटिंग और इन्फॉर्मेशन से लगे हुए कार्ड्स यहाँ पर हैं। चलते जाइए, देखते जाइए,
इसका मज़ा ये है कि अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आएंगे तो उनकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, ये जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। जैसे कि ये फेस मास्क लगा है एक मम्मी का और उसके बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है। जानकारी ऐसी हैरत अंगेज है कि आप उस पर शायद यकीन ना कर पाए, इसलिए तो इसे कहा जाता है बिलीव इट और नॉट। जगह से आप घूमते जाएंगे दुनिया की अलग अलग जगहों के ऐसे फैक्ट या तथ्य आपको सुनने या पढ़ने को मिलेंगे। इतनी शानदार है, अभी आपको रैबिट लगा रहा है, वैसे लिखा इज इट अ रैबिट, लेकिन जैसे आप इसको रोटेट करेंगे ये बन जाएगा, वेट करिए, गेस करिए, और इज इट अ डक, ये देखिए एक तरफ से बनता है रैबिट, दूसरी तरफ से बन जाती है डक। बिलीव इट और नॉट, सिर्फ नजरिए की है बात। ये इन एंड आउट की तरह है, ये एक ही फेस है, एक बार आप देखेंगे तो ये फ्रंट साइड है और दूसरा अनदर साइड ऑफ फेस, तो रिवर्स मास्क इसे कहा जाता है। बाहर की तरफ से व्यू और मास्क के अंदर की तरफ से व्यू, तो एक ही मास्क के दो रूप यहाँ आपको दिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अब ये रिवर्स मास्क हो गया, वो अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, तो ये इस तरह से खुद का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, 30 सेकंड में बदलता है। ये थ्री लेग हॉर्स है जो 12 बार जीत चुका है किसी भी नॉर्मल हॉर्स के कंपैरिजन में। तीन टांग वाला एक घोड़ा नॉर्मल घोड़े को हरा सकता है, मान सकते हैं। ये हमारा आयरन मैन जो लोहे की चेन को अपने हाथों से तोड़ देता है, कोई भी चेन हो ये अपने हाथों से तोड़ने की ताकत रखते हैं। ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। चलिए ये देखने के बाद हम बढ़ चले थोड़ा आगे की तरफ। ये है दूसरा सेक्शन इसी रिप्लीज बिलीव इट और नॉट पटाया का। ऐसे ही दूसरे मास्क है और इनके बारे में जानकारी सामने लिखी है। मैंने कहा था बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, अपने बच्चों को यहाँ आप लेकर के अगर जाएंगे तो वो बहुत कुछ सीखेंगे, उनको बहुत सी जानकारी मिलेगी। घूमते रहिए और देखते रहिए ढेर सारी शानदार जानकारी से भरा हुआ ये सेक्शन। ये शार्क से रिलेटेड ऐसी जानकारी जिस पर आप शायद यकीन ना कर पाए और कहें मैं यकीन नहीं करता, तो ये कहेंगे बिलीव इट और नॉट, पर ये सच है। ढेर सारी जानकारी है, आप बस घूमते रहिए।